पॉजिटिव भारत को स्वागत करछु मु स्मृति लग्ना प्रथमे देखिबा कोन रहै छै आजर हेडलाइन्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहु प्रतीक्षित अमेरिका गस्त आरंभ 25 जाए विभिन्न कार्यक्रम में देवे जोग 24 रे राष्ट्रपति बाइडेन द्विपाक्षिक कथबार्ता अमेरिकार पूंजीपति करे बैठक कार्यक्रम भारत सतर्कवाणी पर नरमिला ब्रिटेन कोविड नियम आणला परिवर्तन कोविशील्ड को देला मान्यता कोविशील्ड नहीं भारतीयों पर 10 दिन क्वारंटाइन नियम कर ब्रिटेन देश में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम रो शुभारंभ इज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं निवेश प्रक्रिया सरल करने उद्देश्य सब वर्ग लोकों सह सरकार काम केंद्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तुर्की को भारत कड़ा जवाब जातिसंघ ने काश्मीर प्रसंग उठाई तुर्की को भारत मुंहतोड़ जवाब साइप्रस प्रसंग उठाई एर्दोगान सरकार को घेरिले वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर राष्ट्र सुरक्षा क्षेत्र में बड़ पदक्षेप आक्शन में जम्मू कश्मीर प्रशासन आतंकवादी संगठन सह संपर्क प्रमाण पर विदा हेले 6 कर्मचारी 2 जन जम्मू पुलिस सिपाही संपूर्ण खबर को आसीबा आज थारो आरंभ होई छि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहु प्रतीक्षित अमेरिका गस्त आज दिन 11टा परे स्वतंत्र विमान जोगे दिल्ली छाड़ी छंती प्रधानमंत्री अमेरिकार स्थानीय समय संध्या 6टा रे से वाशिंगटन ने पहुंचिबे ए अवसर रे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रे प्रधानमंत्री जोग देबे बोली जणा पड़छि क्वाड देशर राष्ट्र मुख्यक सहित सीधासळख मिलित बैठक सह द्विपाक्षिक बैठक में मध्य जोग देबार कार्यक्रम रही व्यतीत जातिसंघर साधारण परिषदर एक आलोचन भाग नेबार रही कार्यसूची ए अवसर में अन्यान्य प्रसंग सहित अफगानिस्तान और आतंकवाद प्रसंग उपर आलोकपात क्वाड बैठक आलोचन अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमुख्य सहित वाणिज्य व्यवसाय पूंजी निवेश सुरक्षा समेत आहुरी अनेक विषय स्थान पाइबोली जनापड़ी अमेरिकार भारत वंशज उपराष्ट्रपति कमला हारिस सहित सेठाकार बड़ व्यावसायिक कंपानी मुख्यों सह एक बैठक होबार कार्यक्रम रही जातिसंघर सुरक्षा परिषद बैठक में प्रधानमंत्री विश्वर अन्य राष्ट्र मुख्यों भारत विभिन्न आभिमुख्य संपर्क में अवगत कराइबे प्रधानमंत्री सहित वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर मुख्य अजित डोभाल एवं आउ केते जन उच्च अधिकारी अमेरिका गस्त करथिबा मध्य सूचना रहुछि। धन्यवाद करता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आज देश के हिंदुस्तान के विचारों को और मोदी जी की स्वीकारता पूरे विश्व के अंदर बढ़ी है उसी का परिणाम है कि आज मोदी जी अमेरिका के अंदर जाएंगे और वहाँ एड्रेस करेंगे। हमारा आतंकवादियों से कोई संबंध नहीं है, आतंकवादियों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये विश्व को एक शांति की ओर ले आने वाला बहुत बड़ा अभियान भी है जिसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं और मुझे लगता है कि हम पूर्णतः विश्व के अंदर शांति बनाने के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में कामयाब होंगे। यूएई जन मंत्री एवं केंद्र मंत्री पीयूष गोयल करो मिलित वार्ता नजर पकेबा वार्ता ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो स्ट्रक्चर है दोनों देशों के बीच में ट्रेड का उसमें क्या बदलाव है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने भाई साहब। मैं हाल में ही सूरत गया, बेंगलुरु होके आया हूँ, पिछले 4 दिनों की बात कर रहा हूँ, 4-5 दिन और कई मेरी एंगेजमेंट्स आप तो जानते हैं लगभग दिन रात बिजनेस के साथ रहती है। कई सेक्टर ने ये रिपोर्ट किया कि अगर हमें यूएई में जो आज के दिन ड्यूटीज लगती हैं, जो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, जो रिकग्निशन होता है हमारे प्रोडक्ट्स का, कभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का, उसमें सूरत मिल जाए तो यूएई अपने आप में मार्केट तो है ही, लेकिन यूएई का बड़ा बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बहुत उसकी जो स्थापना है, उसका जो ग्राफिकल लोकेशन है वो इतना है कि वहाँ से पूरे अफ्रीका में ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इनके अपने आप एक फ्री ट्रेड से कई देशों के साथ, एफ्टा देशों के साथ और अलग प्रकार उन्होंने एक विश्व स्तरीय व्यापार का अपना, उस
वैल्यू चेन में, उस सप्लाई चेन में अगर भारत के उद्योग और भारत के एमएसएमई सेक्टर को, भारत के शिल्पकारों को, भारत हैंडीक्राफ्ट्स को, भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, इन सबको अगर एक एंट्री मिलती है, एंट्री सिर्फ टैरिफ रिडक्शन नहीं होती है, एंट्री में म्यूचुअल रिकॉग्निशन होता है एक दूसरे की टेस्टिंग लेबोरेटरीज का, एंट्री में कस्टम फैसिलिटेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है, हैंड होल्डिंग होता है कि दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे के बिजनेस को सहूलियत देती है, निवेश के लिए कई सारे करार होते हैं कि निवेश से आसानी से कैसे जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करें, बातचीत करें चर्चा नहीं लेकिन सिस्टम्स एक दूसरे से बातचीत करें, तो संभावनाएं असीम है और समझता हूं उसी को रखते हुए ये एक बड़ा अहम फैसला होगा जो देश के व्यापार जगत और उद्योग जगत की कई वर्षों से मांग थी। इससे नौकरी और रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पे भारत में बढ़ेंगे, भारत की जो प्लान्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, एसेट मोनेटाइजेशन की, इसमें भी यूएई से निवेशकों को प्राथमिकता भी मिलेगी और एक अच्छा स्थान और उनको भी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि वो भारत में निवेश करें, तो इसकी बड़ी मल्टी डायमेंशनल इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। मेबी लास्ट फोर फाइव मिनट्स। गुड इवनिंग, दिस इज बिजनेस इंडिया। FDI from UAE has seen a 13-fold increase in FY21. So going forward, under the SEPA, have you discussed potential FDI or investment which could flow in? And what is the outlook on that? I'll request the Honorable Minister to highlight how effectively both countries have been working towards this economic partnership and investment part of it. But I must say that when the Honorable Prime Minister and the UAE in fact spoke of such large numbers of investment that they are looking for in India, that we have not been able to absorb the amounts and the sums of money that they have allocated for investments in India so far. So we are working to facilitate here so that investment flows on both sides can really come to a quantum jump and it can meet the expectations that both leaders have of businesses on both sides. परवर्ती खबर को आसीबा। भारतर सतर्क बाणी परे नरमिला यूनाइटेड किंगडम आणिला निजर कोविड टीका नियमरे संशोधन। यूके रो ट्रैवल हिस्ट्री रे एक अनुमोदित टीका भाबरे अंतर्भुक्त कला कोविशील्ड को। भारतर जो माने यूके यात्रा करिवे कोविड टीका नेथिले भी समाने सेठारे 10 दिन जाय क्वारंटाइन रहिबे बोली नियम आणिथिला सेठाकार प्रशासन, जहाँ कुने भारतरे सृष्टि होइथिला असंतोष। भारतरे टीकाकरण रे शामिल होइतबा सेरम इंस्टीट्यूट प्रस्तुत कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड, आस्ट्राजेनेकार अधिकृत टीका, यूके एवं विश्वर अन्य केतेक देशरे मध्य ए टीका को टीकाकरण रे शामिल करा जायछि। से सबो देश पई कोनसे कटकणा नथिबा बेले भारत पई एभळी कटकणा भेदभावपूर्ण बोली अभिजोग होइथिला। यूके भारत प्रति एभळी आभिमुख्य पोषण कले भारत मध्य समान आभिमुख्य यूके प्रति पोषण करिव बोली सतर्क कराई दैथिला। एभळी कि जो माने पूर्वरो यूके यात्रा करबा पई विमान टिकट किणी सारिथिले सेमाने निजरो यात्रा बातिल करबा आरंभ कले। एहा परे चेतिछि यूके प्रशासन कोविशील्ड को अनुमोदित टीका तालिका रे रखिबा सहित से टीका नेथिबा भारतीय यूके यात्रा कले आउ 10 दिनिया क्वारंटाइन रहिबा को पडिबो नाही बोली नियम करा जायछि परिवर्तन। तुर्की को कड़ा जवाब दिला भारत। मिलित जातिसंघ महासभार 6 स्तरीय अधिवेशन भितर तुर्की को कड़ा जवाब देछि भारत। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन निजर भाषण में काश्मीर प्रसंग उठाई और तुर्की को यह मुहूर्त जवाब देवा जाई वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर साइप्रस प्रसंग उठाई। तुर्की साइप्रस एक बड़ अंश में दीर्घ दशंधि धरी अवैध भाव में माड़ बस प्रसंगे मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव पारित हो।
किंतु तुर्की यहाकु मानु नहीं। वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर साइप्रसर निजर प्रतिपक्ष निकोस किस्टोडालिस सहित द्विपाक्षिक बैठक करिसेंति, जो समय से साइप्रस संबंध में मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद प्रासंगिक प्रस्ताव गुड़ी को पालन करिबार आवश्यकता उपरे जोर देते। एस जयशंकर क्रिस्टोडालाइड्स निजर साक्षात नहीं बुधवार ट्वीट कर सूचना देवा सहित आम आर्थिक संपर्क को नहीं आग को बढ़ावा दिगरे काम कर। देशरे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम रो शुभारंभ, केन्द्र वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यार शुभारंभ करिसेंति। जातीय एकक विंडो सिस्टम घरोई तथा विश्वर निवेशक मानंकु ऑनलाइन पोर्टल माध्यम रे नियामक अनुमोदन पाइबारे साहाय्य करिबो। वर्तमान सुधा 18 विभाग 9 राज्य जातीय एकक विंडो सिस्टम सहित जोग देइछेंति। सरकारक आशा होय 14 विभाग एवं अन्य 5 राज्य चलित वर्ष शेष सुधा एथिरे जोडी हेबे। केन्द्रमंत्री कहते नूतन व्यवस्था स्वच्छता उत्तरदायित्व प्रतिक्रियाशीलता आने उद्दिष्ट निवेशक माने गोटे डैशबोर्ड रे समस्त सूचना पाई। समय छोट ब्रेक रो ब्रेक पर फिर खबर को तृतीय लहर आसिबार आशंका भितरे एक भल खबर आसी सामनाकु। टीका नै नथिबा जोगु तृतीय लहर रे छोट पिला बेसी संक्रमित हेबे बोली वैज्ञानिक माने चेतावनी देथिबा बळे टीका उत्पादनकारी कंपनी फाइजर कहिछि तार वैक्सीन 5-11 वर्ष पिलांक क्षेत्र रे भी प्रभावी हेबो। खूब शीघ्र ए बयसर पिलांकु टीकाकरण पई अमेरिका अनुमति देबो बोली फाइजर कहिछि। फाइजर जर्मनी पार्टनर बायोएनटेक रो टीका एबे 12 वर्षरो अधिक बयसर पिलांकु मध्य दिया जाउछि। फाइजर टीका बजार को आसिले पिलांकु कोरोना कबलरु सुरक्षा मिलि पारिबो बोली आशा व्यक्त करा जाइछि। सेपटे स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक पक्षर मध्ये एक भल खबर आसी। पिलांक उपरे भारत बायोटेक करितबा टीका परीक्षण रे शेष होइतबा कंपनी पक्षर कहा जाइछि। या छडा भारत बायोटेक रो टीका उत्पादन आउ 2 कोटी डोज वृद्धि पाइबो बोली कंपनी देछि सूचना। एबे मासिक 3.5 कोटी डोज टीका उत्पादन हेउतबा बळे संख्या खूब शीघ्र 5.5 कोटी छुइबाकु जाउछि। कोरोना विरोधी लड़ाई रे देश को खूब शीघ्र आउ एक टीका मिलवाक जाउछि। जनसन एंड जनसन द्वारा प्रस्तुत कोविड टीकार प्रथम खेप अक्टोबर में भारत को मिलबार आशा करा जाउछि। सिंगल डोज टीकार 4.35 कोटी डोज प्रथम खेपर भारत को मिल। भारत सहित मिलित तो भागीदारी में अमेरिकी कंपनी जनसन एंड जनसन आम देश में ही टीका को अंतिम रूप देव बोली जमापड़ी। प्रतिमास भारत पक्षर धार्य 30 कोटी वैक्सीन डोज उत्पादन लक्ष्य हासल दृष्टि मध्य खबर बेस गुरुत्वपूर्ण। निकटे भारतीय ड्रग रेगुलेटर जनसन एंड जनसन वैक्सीन रो जरूरीकालीन व्यवहार को मंजूरी देते। एक्शन ने जम्मू काश्मीर प्रशासन आतंकवादी संगठन सहित संपर्क जोगु 6 कर्मचारी को चाकरी रु विदा कला प्रशासन। कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाइथिबा 6 जन कर्मचारी को भितरे 2 जन जम्मू काश्मीर पुलिस रो सिपाही। केंद्र शासित प्रदेश सरकार पक्षर एक कमिटी गठन करा रिपोर्ट आधार एक निष्पत्ति। सूचना योग्य प्रदेश सरकार राष्ट्र सुरक्षा पर अनेक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करूर्वर जम्मू काश्मीर सरकार निर्देश जारी करते जो देशद्रोही समर्थन करुवा कर्मचारी चाकरी जवा कथा कहला। एथस जम्मू काश्मीर सिविल सर्विसेस इनस्ट्रक्शन 1997 ए नुआ संशोधन ने चरित्र प्रमाणपत्र को स्वतंत्र ध्यान दिया जाए छी। अखिल भारतीय परिषद अध्यक्ष महंत नरेन्द्र गिरी को बाघंबरी मठ में भूमि समाधि दिजाई। महंत महेन्द्र गिरी को बसी अवस्था भू समाधि दिजाई। जहाँ सूचना रही साधु सतों सहित बहु लोक अंतिम दर्शन पर उपस्थित थे। देशर विभिन्न
महामंडलेश्वर एवं तेर आखड़ार साधुसंत प्रयागराज पहुंचे। महंत नरेन्द्र गिरी उत्तराधिकारी बलबीर गिरी समाधि समस्त प्रक्रिया निज हाथ में संपन्न करते। महंत नरेन्द्र गिरी बाघंपरी मठ में भूमि समाधि नहीं उच्च प्रकाश करते। समय बुलेटिन को ये रखा। नमस्कार।